मैं आप लोगों को लखनऊ के नज़ारे दिखाऊंगा, जो कि आप लोगों को एक बार विधानसभा दिखाऊंगा। कैंडीज वाले रेस्टोरेंट गैस कौन कौन गया ये चीज मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज आज मैं जाऊंगा नहीं, मेरे पास क्या ही बताएं गाइस, हम लोग कहाँ जाने वाले, कहाँ नहीं, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बिकॉज अभी गाइस मैं जा रहा हूँ अपने बाइक को पहले सर्विस से रिपेयरिंग पे डालूंगा एंड उसके बाद हम लोग गाइस घूमने चलेंगे। बट उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है गाइस, मैंने उसको सर्विस भी करवाया था, उसका पूरा इंजन बना था, बट पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मिस्त्री ने बताया था उसको तकरीबन 500 या 1000 किलोमीटर चलाने के बाद में उसको सर्विस करवा रहे हैं। तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं उसको सर्विस सेंटर पर डालेंगे एंड उसके बाद हम लोग गाइस घूमेंगे एंड मैं आप लोग उसमें दिखाता हूँ गाइस कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। सो आ जाओ एंड ये चेक करो गाइस, मैं एसी से सारे ट्रैवल करता हूँ पूरे लखनऊ के, बट ये मैं इसको बहुत ज़्यादा गंदा रखता हूँ, बट यार कोई नहीं, ये बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, इस साइड भी बहुत ज़्यादा गंदी है एंड मैंने इसको वॉश भी नहीं करवाया है एंड बट इसमें पता नहीं गाइस क्या है, इसमें शायद टाइमिंग चेन यहाँ से आवाज़ आ रही है एंड इसमें भी इंजन देख रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, जो कि इसमें काफ़ी सारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको जाके पूरी रिपेयरिंग होगी। तो मैं आप लोगों को इधर से दिखा देता हूँ एक बार, ये चेक करो यार, एंड यहाँ से पता नहीं गाइस कौन सी आवाज़ आ रही है, ये तार देख रहे हो आप लोग खोल चुके हैं यार सारे उठेंगे एंड यहाँ से देखो गाइस मोबाइल वगैरह आ रहा है, ये यहाँ से पता नहीं कहाँ से मोबाइल ही गाइस आया करता है, ये नहीं मेरे सामने आ रहा है कहाँ से मोबाइल आता है गाइस। मैं इसको आप लोग बता दूँ, इसको मैं काफ़ी ज़्यादा गंदा रखता हूँ, जो कि मुझे नहीं रखना चाहिए, जो कि मैं पूरे लखनऊ के ट्रैवल इसी से करता हूँ, मुझे चाहे किसी महोत्सव में जाना हो या किसी मार्केट में जाना हो या चोर बाज़ार जाना हो, मैं इसी से जाता हूँ गाइस एंड अभी गाइस हम लोग फटाफट से गाइस चलते हैं एंड मैं इसको रिपेयरिंग पे डालता हूँ जाके, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हम लोग गाइस फटाफट से निकलते हैं एंड उसके बाद हम लोग कहाँ पर जाएंगे गाइस मैं आप लोग। बिकॉज मैंने बाइक को डाल दिया है गाइस सर्विस सेंटर पे, बट एक चीज़ मैं आप लोग बता दूँगा गाइस, बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है गाइस बता नहीं सकता, बट मैं गाइस ना अभी गाइस मैं जा रहा हूँ चार बाग, मैं आप लोग एक चीज़ बता दूँ, मैं ऑटो से नहीं जा रहा था क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाऊँगा एंड बाहर बहुत ज़्यादा गाइस ठंडी हो रही, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है बता नहीं सकता। तो हम लोग गाइस मेट्रो से बड़ा अफसर निकलने वाले हैं एंड मैं आप लोग ऊपर का नज़ारा दिखाऊंगा गाइस लखनऊ का मेट्रो से, फटाफट से गाइस निकलते हैं गाइस, वेट करते हैं थोड़ा मेट्रो का, ज़्यादा टाइम भी लगेगा उसे, एक डेढ़ मिनट में मेट्रो आ ही जाती है। यार लोग यहाँ ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ, करो गाइस यहाँ का नज़ारा कुछ एंड इस साइड गाइस ये चेक करो भाई साहब, ये देख सकते हो फाइनली गाइस ट्रेन आ चुकी है, दस्ताओ आज के एंड हम लोग गाइस निकलते हैं फटाफट से अंदर। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard, I know you heard. Let it out, just feel it. फाइनली आप लोगों ने देखा गाइस ऊपर से क्या ही गजब नज़ारा गाइस दिखाई दे रहा था एंड अब हम लोग गाइस चलते हैं गाइस चारबाग के, देखते हैं गाइस कुछ थोड़ा बहुत घूमेंगे टहलेंगे एंड उसके बाद गाइस निकलेंगे हम लोग फटाफट से, चलते हैं गाइस नीचे की तरफ। सो ऊपर का जैसे भी अच्छा माहौल है गाइस एंड मेट्रो के अंदर ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगी थी एंड काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आ गई है गाइस मेट्रो में, काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगे। सो लेट्स गो, ये वाले मंदिर का नाम क्या है गाइस ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताना एंड चलते हैं गाइस नीचे। सामने है गाइस चारबाग रेलवे स्टेशन एंड इस साइड है गाइस बाइक पार्किंग एंड इस साइड भी गाइस आप लोग बाइक पार्किंग।
लेडीज वाले रेस्टोरेंट गैस कौन कौन गया है ये चीज मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज आज मैं जाऊंगा नहीं, मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं। हम लोग फिर कभी आएंगे तो हम लोग जाएंगे एंजॉय करेंगे। एंड गाइस ये वाले रेस्टोरेंट में अभी गया नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, चूँकि मैंने वीडियो देखा था एंड मैं जा नहीं पाया था। बट कोई नहीं गाइस, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है एंड हम लोग थोड़ा बहुत घूमेंगे एंड उसके बाद गेट्स निकलेंगे। बिकॉज गाइस आप लोगों को जूते वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि आप लोग देख सकते हो सभी की वैरायटी अलग अलग है। एंड ये वाला गाइस आपको 500 रुपये में मात्र मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो पीछे की तरफ काफ़ी सारे शूज़ वगैरह हैं जो कि आप लोगों को सस्ते से सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ पर गाइस आप लोगों को जैकेट एंड ये क्या ऊडी वगैरह मिल जाएगी, स्वेटर भी इस साइड गाइस मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ एक बार। अंकल जी क्या रेट है इसका? 350। कोई भी आप लोग लोगे 350 रुपये मिल जाएगी। और ये वाली जैकेट, ये वाली लेडीज है? अरे दादा ये लेडीज जैकेट 450। दिखा दीजिए एक बार अंकल जी, अंकल जी दिखा दीजिए एक बार। भाई साहब 450 रुपये में ये आप लोग की लेडीज जैकेट है। लेडीज़ के लिए अच्छे यार कपड़े मिल जाते हैं, चेक कर सकते हो, रख लीजिए अंकल, थैंक यू। ये 4 बाग में गाइस ना कपड़े तो आप लोगों को अच्छे अच्छे मिलेंगे, बट गाइस कस्टमर के ऊपर है किस तरीके से वो लोग कस्टमर फंसा पाएंगे। महंगे भी मिलेंगे, सस्ते भी, हिसाब से आप डील पर कर पाओगे गाइस। अंडे ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही गाइस, मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं आप लोग दिखाता हूँ कुछ सारी चीज़ें एंड उसके बाद निकलते हैं गाइस। आप लोग चेक करो सेल लगी हुई 300 रुपये में, कोई भी जैकेट आप लोगों को मिल जाएगी। ये आप लोग चेक कर सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हो। बस मैं अब आप लोगों को लखनऊ के नज़ारे दिखाऊंगा, जो कि आप लोगों को एक बार विधानसभा दिखाऊंगा एंड 1090 भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस लखनऊ के नज़ारे किस तरीके से सज रहे हैं, जो कि राम मंदिर उसी में इतना ज़्यादा गाइस लखनऊ में सजावट हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फटाफट से, सो लेट्स गो। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard, I know you heard. Let it out, just feel it. फाइनली मैंने आप लोगों को लखनऊ का नज़ारा दिखाया, रात का जो भी खतरनाक गाइस सजा है, जो कि राम मंदिर की वजह से जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है एंड उस हिसाब से गाइस लखनऊ में भी काफ़ी अच्छी सजावट हो रही है। बट अयोध्या की तो गाइस बात ही अलग है, अनबीटेबल गाइस। मैंने वीडियो देखा एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, बिकॉज मैं आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगा चल के अयोध्या लखनऊ में, पूरा घुमाऊँगा चल के क्या ही डेकोरेशन वगैरह हुई है
एंड मैं आप लोगों को 1090 का मैंने दिखाया, जो कि थोड़े छोटे छोटे चौराहे थे जो कि मैंने आप लोग दिखाया, मैंने आप लोग विधानसभा के लिए बोला था। बट गाइस वो ऑटो वाला है ना गाइस, वो मोड़ के पता नहीं कौन सी अंदर से रास्ता से लेके चला है गाइस, मुझे पता ही नहीं चला, एंड वो उस साइड नहीं जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी गाइस उसके लिए। तो अभी गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं घर, बिकॉज कल मैं जाऊँगा गाड़ी उठाने के लिए एंड उसके पार्ट्स वगैरह देखूँगा गाइस क्या क्या चीज़ें बनी हैं क्या क्या चीज़ें नहीं बनी हैं। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट धमाके।